हेलो, दिस इज़ काशिफ याकूब। आज हम जिस आर्टिकल पे बात करेंगे, ये आर्टिकल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश हुआ है 1 मार्च 2023। यस्टरडे, आज ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ हाई अचीवर्स ओवरकम देयर एग्जाइटी। और इस आर्टिकल की ऑथर हैं मोरा एरन्स मिले। इस आर्टिकल में मोरा ने बात की है पांच पॉइंट्स की जिनकी बेस पे हाई अचीवर्स ओवरकम कर सकते हैं देयर एग्जाइटी। अब वो पांच पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उन पांच पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में। नंबर वन इज़ मेक द एग्जाइटी एन अलाय। नंबर टू, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। नंबर थ्री, सी द ह्यूमर विद इन दैट एग्जाइटी। नंबर फोर, ट्राई गाइडेड मेडिटेशन। एंड नंबर फाइव, से नो टू नेगेटिव थॉट। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि वो लोग जो इस कंप्लीट आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज मेक एग्जाइटी एन अलाय। व्हाट डज इट मीन? देखें, एग्जाइटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड इमोशन, लेकिन अगर आप इस पे काम कर सकें, इसको इम्प्रूव कर सकें, तो दिस कैन बिकम योर लीडरशिप एडवांटेज। तो आप अपने आप से पूछें कि कौन सी ऐसी एग्जाइटी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी ऐसी एग्जाइटी है जो आपको परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, और ये कोई पोटेंशियल आउटकम का रिजल्ट भी हो सकता है। उसको लेके भी आप एग्जाइटी में जा सकते हैं, उसको लेके भी आप परेशान हो सकते हैं। सो द थिंग इज, आस्क योर सेल्फ, व्हाई आर यू वरीड अबाउट दैट। जब आप उसकी रीजन पहचान लेंगे, उसका सोर्स ढूंढ लेंगे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू वर्क ऑन दैट, टू इम्प्रूव ऑन दैट, टू एक्चुअली रिड्यूस इट। नंबर टू, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन मीन्स, देखें, जब आप सेल्फ जजमेंट को सेल्फ काइंडनेस में बदल देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाइटी को रिड्यूस कर पाते हैं। अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे, तो आपकी एग्जाइटी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगी। सो आपको देखना है कि आप किस तरह से अपनी एग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते। सो थिंक क्लियरली एंड एस्केप फ्रॉम दोज थॉट्स। आप अपने आप को कहें, अपने आप को फील करें, येस यू डिड अ गुड जॉब इन डूइंग दिस, और एंड फील इट इन दैट वे, यू विल ऑटोमेटिकली विल गेट आउट ऑफ एग्जाइटी स्टेप बाई स्टेप। नंबर थर्ड इज सी द ह्यूमर विद इन दैट एग्जाइटी। यानी जो भी सिचुएशन है, उसमें से भी आप, उस एग्जाइटी सिचुएशन में भी आप उसको एम्यूजमेंट की तरफ ले जाने की ट्राई करें। देखिए, अगर आप किसी काम में कोई टाइप ऑफ मिस्टेक करते हैं, तो इस उससे आप फायर तो नहीं होंगे। अगर आप अपनी कंपनी की सेल्स आउटपुट नहीं, आपकी कंपनी ले रही सेल्स टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, तो उसमें सिर्फ आपका कसूर तो नहीं है। सो इस तरह से आप इसको एक्नॉलेज करें और उसको एम्यूजमेंट में शिफ्ट करने की कोशिश करें। यू विल ऑटोमेटिकली लूजन अप योर एग्जाइटी। नंबर फोर इज ट्राई गाइडेड मेडिटेशन। ऑथर ने इस आर्टिकल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि यू विल ऑटोमेटिकली फील कि इट द मैजिक विल हैपन। आप ऑटोमेटिकली उसमें से बाहर निकलते जाएंगे when you find some time and space for that। ठीक है, आप क्या मतलब है जी कि स्पेस लें एंड गिव योर सेल्फ अ रेस्ट, उस सिचुएशन से अपने आप को निकालें इमिजिएटली एंड देन थिंक अबाउट इट। ये बात मुझे एक मेरे बहुत ही प्यार करने वाले इंसान ने सिखाई ज़िंदगी में, कि किस तरह से आपने टाइम टू टाइम स्पेस लेनी है और रीसेट करना है अपने आप को फॉर द सिचुएशन। ठीक है, और सिर्फ खामोशी रखने की बजाय आप उस बारे में सोचें, उस दूसरे इंडिविजुअल के बारे में सोचें जो उसने बातें की हैं, उस पे फोकस करें। इस तरह से आपको क्या होगा कि आप उस एग्जाइटी में से जो आपके पर्सनल थॉट्स हैं,
उससे बाहर आ पाएंगे। उससे बाहर आ पाएंगे तो आपको एक एस्केप मिलेगा फ्रॉम दैट एग्जाइटी। नंबर फिफ्थ, से नो टू नेगेटिव थॉट। व्हाट डज दैट मीन? देखें, जब भी आपको लगे कि आपको एनेक्शियस थॉट्स आ रही हैं तो स्टार्ट सेइंग बाय योरसेल्फ, नो नो दिस इज नॉट पॉसिबल, नो दिस कांट हैपन, नो दिस इज नो नॉट नाउ, स्टॉप, डोंट डू इट, डोंट थिंक लाइक दैट। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और जब भी ऐसी एनेक्शियस थॉट्स आने लगेंगी वो उसको 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 रिफ्लेक्ट कर देगा, वो उसको आने ही नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली उस पर रिजिस्ट करेगा। तो आज के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया हाउ हाई अचीवर्स ओवरकम देयर एग्जाइटी, एग्जाइटी की डिफरेंट सिचुएशंस में एग्जाइटी में आप किस तरह से उसको कवर कर सकते हैं। तो हमने ये 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, होपफुली यू हैव लर्न फ्रॉम इट। हम नेक्स्ट आर्टिकल के साथ विल कम अप विद यू विद मोर डिस्कशन। सो इस आर्टिकल के भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, जो लोग इंटरेस्टेड हो कंप्लीट आर्टिकल पढ़ने के लिए वो उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।